निगाहें निगाहें नाच करती हैं पलकों के शामियाने पर, निगाहें नाच करती हैं पलकों के शामियाने पर, मेरा दिल झूम उठता है बस आपके मुस्कुराने पर। वो दिल दिल नहीं जो आपसे मिलने की दुआ न करे, हमें आपसे बिछड़ के जीना पड़े भगवान ऐसा ना करे। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये व्हाट्सअप गाइस बनारसी बिंदास लौंडा विशाल फिर से हाजिर है नई वीडियो के साथ यार। और हाँ गाइस इंस्टा पे फॉलो कर लेना विशाल बनारसी मेरी इंस्टा आईडी है। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। लव यू ऑल। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली एक बात बतानी है हमें आपसे। बता दूं एक ऊंचा लंबा कद दूजा सोनी है तू हद। एक ऊंचा लंबा कद दूजा सोनी है तू हद, तीजा रूप तेरा चम चम करदानी। क्या कसम क्या हाइट दी है भगवान ने आपको? यार इट्स हील्स, यार हील्स तो इतनी ऊंची है ना, बट आपकी हाइट हमसे मैच कर रही है यार। मेरी 6 फीट 4 इंच हाइट है, आपकी हाइट तो माँ कसम क्या है यार। क्या खाते हो आप हाइट के लिए यार? आजकल हमने देखा है जितनी भी लड़कियां यहाँ पे देखते हैं ना, सबकी हाइट यूं ही होती है, बट आपने क्या किया जो इतने लंबे हो गए? माँ बाप से पूछो आप। अरे यार सेम क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं तो हम भी यही बोलते हैं यार, मेरी मम्मी लंबी है, मेरे पापा लंबे हैं तो हम लंबे हैं। बट हाय विशाल यार, एक्चुअली हम एक काम करने यहाँ पर आए थे। एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मी काफ़ी दिन से मेरे लिए बहुत ढूंढ रही है, तो मैंने बोला मम्मी तुम मत ढूंढो, हम ही ढूंढ के लाते हैं आज तुम्हारे लिए। तो आज हम सीपी आए हैं जस्ट बिकॉज फॉर अपनी मम्मी की बहुत ढूंढने के लिए। बहुत ढूंढने? हाँ ना, ऐसे ढूंढोगे? हाँ ऐसे ही ढूंढेंगे यार। आप बता रहे, हमने मम्मी से बोला था हमें लंबी लड़की चाहिए, मम्मी ने क्या किया छोटी लड़की में दिला रही थी। हमने बोला आज हम सीपी जा रहे हैं एक लड़की लेके आएंगे जो हमें आप दिखे यार, इतनी गॉर्जियस ब्यूटीफुल, क्या बताए कतई जहर लग रही हो। दुनिया में चल रहा है कोरोना कहर, मैडम आपकी ब्यूटी कतई जहर। आप हमारी मम्मी की बहू बनने के लिए तैयार हो? सॉरी। तो क्या है एक्चुअली में, क्या है निगाहें निगाहें नाच करती हैं पलकों के शामियाने पर, निगाहें नाच करती हैं पलकों के शामियाने पर, मेरा दिल झूम उठता है बस आपके मुस्कुराने पर। वो दिल दिल नहीं जो आपसे मिलने की दुआ न करे, हमें आपसे बिछड़ के जीना पड़े भगवान ऐसा ना करे। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये आप याद करके आए हो या अभी बनाया है? अभी बनाया है यार। ऐसी नहीं मिलेगी बहू आपको, ऐसी नहीं मिलेगी। क्या देखो क्या है, मैं हूँ अधूरा, तुम मेरी कमी हो, तुम मानो या ना मानो तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। ठीक है चलिए, आपके पास बॉयफ्रेंड है क्या कोई? नहीं है। नहीं है यार, देखो क्या है, बुक अच्छी नहीं लगती यदि उसका कवर ना हो, लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती यदि उनका लवर ना हो। यार आप क्यों ऐसे सिंगल जीरो यार, इतनी अच्छी खासी हाइट है, जितना तारीफ करें ना उतनी कम है यार। इट्स अ चॉइस यार, आप ऐसा ना करो यार। बड़ा दर्द हो गया यार, आप ऐसे सिंगल क्यों जी रहे हो यार? हम काफ़ी दिन से सिंगल जी रहे हैं यार, काफ़ी परेशान चल रहे हैं अब हमें ऐसा लग रहा है। काफ़ी लड़के दोस्त बोलते हैं हमारे कि यार तुम कब तक सिंगल चलोगे यार, तो दोस्त ही बोलते हैं, तो हमने बोला डायरेक्ट हम शादी करेंगे, तो मम्मी हमारे लिए बहुत ढूंढ रही थी, हमने सोचा कि मम्मी को क्यों परेशान करें यार, हम आज खुद ही लेके आएंगे बहू। अब बता रहे हैं आपसे अच्छा कोई नहीं दिख रहा हमें। ढूंढो शाम तक मिल जाएगी। अरे यार ऐसा ना बोलो यार, मुझे तू चाहिए, तेरा साथ चाहिए, अपने मम्मी से बोल दो कि हमें तुम्हारा हाथ चाहिए। ऐसे क्यों तड़पा रहे हो यार आप? क्या लड़का में कोई कमी दिख रही है क्या? कोई कमी नहीं है, अच्छे हो। अच्छे हैं यार, हमें पता है मैं अच्छा हूँ, बट आपको भी अच्छा लगना चाहिए ना। अच्छा तो आपने बोला आप अच्छे हो, बट देखो क्या है, सिंपल सी बात है, शादी उदी कर लेंगे, डेट पे लेके चलेंगे। देखो घर पे रखिए पैसों की बोरी, बस एक बार बन जाओ हमारी छोरी। क्यों बस रहे हो यार? तो आपका क्या विचार है हमारे लिए? सॉरी यार, आप ऐसे सॉरी क्यों कर रहे हो यार? मर जाएंगे, बता रहे हैं गाड़ी जो जा रही है इसी के नीचे दबके मर जाएंगे यदि आपने ऐसा मना करोगे तो। हम खुराज के निकाल देंगे आपको बाद में। जो क्या है, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी पास्ता, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी पास्ता, आज आई लव यू बोल दे तेरे मॉम का वास्ता। क्या हो गया? ऐसा क्यों कर रहे हो यार, मर जाएंगे हम तो। बॉयफ्रेंड नहीं है आपके पास? ऐसे करते क्या हो आप? मैं एनिमेटर हूँ। एनिमेटर बोले तो उसमें क्या होता है? मैं एनिमेशन फिल्म बनाती हूँ। अच्छा बनाते हो? ओके, उसमें मतलब वो आप सिस्टम पे बैठ के एडिटिंग करते हो या मतलब एक्ट करते हो? दोनों करते हो आप? यार बड़ी अच्छी बात है यार। बाय द वे यू लुकिंग टू गॉर्जियस ब्यूटीफुल, कितना ही जहर लग रहे हो, तो यार हमारे बारे में सोचो ना क्या होगा हमारा। गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं पर दोस्त बन सकते। दोस्त कोई बात नहीं। हाय विशाल, एक बार फिर से आपका नाम क्या बोला? परिधि। परिधि
यार बड़ा प्यारा नाम है यार। बाय द वे हाथ आपके बड़े सॉफ्ट हैं यार। ओह माय गॉड टू गॉर्जियस। बड़ा सॉफ्ट है। साबुन कौन सा लगाते हो आप? लक्स। यार लक्स जो मिल जाता है नेचुरल ब्यूटी है क्या आपकी? मम्मी की है। अच्छा मम्मी की है। बात सही है। तो आप मम्मी की नेचुरल हैं तो आप भी नेचुरल हो गए, जाहिर सी बात है यार। तो क्या विचार हैं आपके? चलो कोई ना, हम दोस्ती हो जाएगी। चलो एक काम करो, इस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए आप अपना नंबर दोगे या इंस्टा आईडी दोगे हमें? आईडी ले लो आप। क्या ले लें? इंस्टा आईडी ले सकते हो आप। अच्छा इंस्टा आईडी। तो अब एक काम करो, हमें फॉलो करो, हम आपको फॉलो बैक देते हैं, ठीक है? तो विशाल बनारसी में इंस्टा आईडी है। या यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, विशाल बनारसी। या सर्च राइट नाउ विशाल बनारसी। यस टॉप पे जो आया है ना, यही आप हमें फॉलो कर लो, हम आपको फॉलो बैक दे देंगे। बड़ा अच्छा लगा यार आपसे मिलके। अच्छा ये बताओ आप तो, हाँ फॉलोइंग जीरो है ना? ये तो बता रहे हैं किसी को हमारा प्यार नहीं आया ना, आप पहली लड़की हो जिसको हमें प्यार आया। सही बता रहे हैं, फॉलोइंग जीरो इसलिए है क्योंकि अभी तक हमें कोई लड़की अच्छी नहीं लगी ना आज तक, बट कोई दोस्त हमारा है ही नहीं। ये फॉलोइंग है, पता नहीं कैसे लोग कर लिए। थोड़ी सी हमारे ऐप्स है ना, हम ऐप्स वगैरह की फोटो डालते रहते हैं तो शायद उससे हमारी फॉलोइंग बढ़ जाती है, बट हम किसी को फॉलो नहीं किए। बट आज आपको फॉलो करेंगे, पहले फॉलोअर जिसको हम फॉलो करेंगे वो आप हो गया, क्योंकि आप हमारे दिल में बस गए ना। थैंक यू। तो क्या है यार, आँखों में काजल, कानों में बाली। अपनी बहन से पूछ लो क्या वो बनेगी मेरी साली। दिल वालों के दिल का करार टूटने, हमारे हयूपी बिहार टूटने। बस फ्रेंड रहोगे आप? चलो कोई ना यार, यार बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके हमें। तो क्या विचार है आपके हमारे बारे में? दोस्ती तो रहेगी ना हमारी हमेशा? कोई बात नहीं यार, दोस्ती अच्छी खासी बातें वगैरह हमारी होंगी तो शायद हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। वो तो बाद में आपको पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। एक्चुअली एक बात बताऊँ मैं आपसे, एक्चुअली उधर देखो कैमरा लगा हुआ है कोई सा शौक हो गया क्या? एक्चुअली मेरा यूट्यूब पर चैनल क्रेजी विशाल नाम था, जहाँ पर छोटी फनी वीडियो डालते रहते हैं, तो प्लीज़ से हाय। वीडियो से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं यार, हम लोग क्या दोस्त रहेंगे अच्छे खासे, तो ठीक है सीसीटी में कॉपी हो जाए, बस एज ए फ्रेंड होगी, बस हम लोग दोस्त रहेंगे, बस ऐसा कुछ मत सोचना कि नहीं हम बॉयफ्रेंड है या ऐसे कुछ जा रहे हैं, ठीक है? बस छोटी सी कॉपी हो जाए, आ जाओ। ओके। यार बड़ा अच्छा लगा यार आपसे मिलके।